जब बस्ती में कोई आता है ना तो वहाँ डरने वाले चिल्लाते हैं, कुत्ता से लेकर के आदमी तक, जिससे डरते हैं लोग उसको पीछे पड़ते हैं, उसको डरते हैं और चिल्ला करके लोग बोलते हैं सावधान हो जाओ ये आया है, खतरा है। तो खतरा तो है ही आज, क्योंकि सच बोलने वाला पहला व्यक्ति मिला है। जो बोलते हैं गवर्नर ऐसा है, वो देखते नहीं हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है सरकार की, जो गलतियाँ वो पकड़ना सही रास्ता में लाने के लिए। लेकिन सरकार तो सही रास्ते में आने वाला नहीं है, तो इसीलिए आगे जो होगा होगा। गवर्नर जो काम कर रहे हैं उनकी जो दायरा है उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो कोई गलती नहीं किया है। लेकिन वो जो बात उठाते हैं, आलोचना करते हैं, हजम करने की शक्ति इन लोगों में नहीं है, इसलिए ये सब मामला हो रहा है। हरवा में जो कल सरस्वती पूजा नहीं हुआ काले स्कूल में, उसके लिए आप लोगों का क्या बोलना है? देखिए वहाँ अपने लोग गए हैं, लेकिन आज मैं जो बात बार बार बोल रहा था कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनते जा रहा है, ये नमूना। इस बार कई जगह सरस्वती पूजा बंद कर दिया है स्कूल में, मस्जिद से परमिशन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया क्या, अफगानिस्तान हो गया क्या? तो ये मामला है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार यहाँ ऐसे लोगों को चढ़ाया बढ़ाया है, उसका परिणाम है कि यहाँ की समाज आज परेशानी में है और यहाँ की संस्कृति परंपरा कल्चर खत्म हो रही है। जहाँ सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा नहीं होता है वो बंगाल नहीं है, वो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान है।